पूर्ववर्ती छात्र संघ का बीसवां सम्मेलन संपन्न हो गया। एसडी जॉन कॉलेज सभागार में पूर्ववर्ती छात्र संघ का बीसवां सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन के दौरान भारत में शिक्षा और सरकार विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई थी। सम्मेलन की अध्यक्षता पूर्व मुख्य न्यायाधीश व पूर्ववर्ती छात्र जस्टिस यूपी सिंह ने किया। मुख्य अतिथि केरल व नागालैंड के पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार थे। पूर्व संसद सदस्य वाराणसी डॉक्टर राजेश मिश्रा का भव्य स्वागत किया गया। मुख्य वक्ता पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रास बिहारी सिंह थे। स्मारिका का विमोचन वीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर देवी प्रसाद तिवारी ने किया। विशिष्ट अतिथि डुमराम राज के महाराज चंद्र विजय सिंह, आरक्षी महानिरीक्षक मोहम्मद रहमान, प्रो विशी प्रोफेसर नंद किशोर शाह, डॉक्टर शंकर प्रसाद, आरक्षी उप महानिरीक्षक आरपीएफ नई दिल्ली संतोष कुमार दुबे सहित अन्य शामिल थे। सम्मेलन में कॉलेज के देश विदेशों में पदस्थापित सैकड़ों पूर्ववर्ती छात्र ने शिरकत किया। मौके पर ख्याति प्राप्त गजल गायक डॉक्टर शंकर प्रसाद का गजल गायन भी हुआ। सम्मेलन की सफलता को लेकर कई कमेटी का गठन किया गया। पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन संघ के अध्यक्ष पूरे प्रचार डॉक्टर पारसनाथ सिंह ने कार्यक्रम की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहीं डॉक्टर शशि कुमार सिंह महासचिव ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम हर साल आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर प्रोफेसर पारस राय, प्रोफेसर बलराम सिंह, आलोक चंद जैन, प्रोफेसर बलराज ठाकुर, डॉक्टर विजय कुमार सिंह, डॉक्टर कुमार कौशलेंद्र, चतुरानंद ओझा, डॉक्टर मनोज कुमार द्विवेदी, देवेंद्र प्रसाद यादव, शशिकांत तिवारी, गुंजन कुमार मौजूद थे। वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ जानकारियां भी दी। केरल एवं नागालैंड के पूर्व राज्यपाल के अलावा मुख्य अतिथियों ने बहुत कुछ कहा। अतिथियों ने ऐसे कार्यक्रम की सराहना भी की। यह पहले हम आपको इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां दिखाते हैं, उसके बाद सुनाएंगे कि क्या कुछ वक्ताओं ने कहा।